गुड इवनिंग, दिस इज ममता वर्मा। सो लास्ट क्लास में हमने डिटेल में हिस्ट्री ऑफ पुरीटन एज है उसको बिल्कुल डिटेल में किया था। हु वाज द किंग, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड व्हाट वाज द हिस्टोरिकल इंसिडेंट या व्हाट टू प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो एवरीथिंग हमने डिटेल में किया था। सो नाउ वी विल स्टार्ट द राइटर एंड पोइट ऑफ दिस एज। ओके, सो फर्स्ट जो ग्रुप है विच बिलोंग टू दिस यू नो एज इज मेटाफिजिकल पोइट। सो आज हम मेटाफिजिकल पोइट है उनसे शुरू करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, ओके, सो दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन्होंने जो पोइट्री शुरू की थी उसकी फीचर है दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पोइट्री, और अभी तक जो पोइट्री चली आ रही थी उससे थोड़ी डिफरेंट थी। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेटाफिजिकल पोइट कौन थे, क्या इसके वर्क की फीचर्स थी। ओके, एवरीथिंग। सो सबसे पहले जो मेटाफिजिक्स वर्ड यूज किया था, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान से देखिए, मेटाफिजिक्स। सो मेटाफिजिक्स ये जो वर्ड है ये क्लेम किया था, क्वेन किया था किसने, विलियम डरमोंड ने। ओके, विलियम डरमोंड इज द स्कॉटिश पोइट और राइटर। ये स्कॉटिश पोइट और राइटर थे जिन्होंने सबसे पहले ये मेटाफिजिक्स जो वर्ड है इसको क्वेन किया था इन्होंने। लेटर इन्होंने इसका यूज नहीं किया, सिर्फ क्वेन किया था इस वर्ड को, ठीक है, इस वर्ड को डिस्कवर किया था, ठीक है, लेटर इस वर्ड का यूज किया था, ठीक है। मेटाफिजिकल जो वर्ड है वो यूज किसने किया, ठीक है, सो मेटाफिजिक्स जो वर्ड है, वर्ड यूज्ड बाय जॉन ड्राइडन। सो जॉन ड्राइडन है हमारे, उसने इस वर्ड को यूज किया था, मेटाफिजिक्स जो वर्ड है उसको यूज किया था जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। सो जॉन ड्राइडन ने बोला था डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स, क्या बोला उसने, डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। ओके, सो कई बार ये स्टेटमेंट आया है हु शेड डन अफेक्ट मेटाफिजिक्स। सो ये जो स्टेटमेंट है इट इज गिवन बाय जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने इस स्टेटमेंट को दिया था अबाउट द मेटाफिजिकल जो पोइट है उनके बारे में, ठीक है। लेटर जो ट्रीम है मेटाफिजिकल पोइट, ओके, ध्यान से देखिए, डिफरेंट है। मेटाफिजिक्स अगर वर्ड क्वाइन किसने किया या डिस्कवर किसने किया तो विलियम डरमोंड है। लेटर इस वर्ड का यूज किसने किया वर्क में तो वो है जॉन ड्राइडन ने यूज किया, ठीक है, और इस वर्ड का यूज, और लेटर है एक मेटाफिजिकल, जस्ट वन मिनट, मेटाफिजिकल पोइट्स, पूरा मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है, ये था मेटाफिजिक्स। एंड सेकंड है मेटाफिजिकल, ठीक है, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोइट्स, ये जो फ्रेज है वो मतलब क्वाइन किया था किसने, डॉक्टर जॉनसन ने। डॉक्टर जॉनसन ने इस ट्रिम को यूज किया था मेटाफिजिकल पोइट्स, और जो डॉक्टर जॉनसन का वर्क था क्या था, मोस्ट एमिनेंट पोइट, मोस्ट एमिनेंट पोइट्स ऑफ द 18th सेंचुरीज, ठीक है। सो उसका जो वर्क था मोस्ट एमिनेंट पोइट ऑफ द 18th सेंचुरीज, उसने जितने भी 18th सेंचुरीज के पोइट और को लिया था उसमें उन्होंने जब सभी 52 जो पोइट्स थे उनकी बायोग्राफी लिखी थी डॉक्टर जॉनसन ने इस वर्क में, तो इन्होंने जब डॉक्टर जो मेटाफिजिकल या डॉक्टर जॉनसन है ये मेटाफिजिकल का जो ग्रुप था, 6 पोइट थे मेटाफिजिकल, जब इनकी बायोग्राफी लिखी, इनके वर्क को पढ़ा उन्होंने, तब उन्होंने जब उसमें सेम फीचर्स पाए सभी के वर्क में, सेम मतलब फीचर्स थी उनके वर्क में, कंसिस्ट था, विच थी, ये सब पाया, तो उन्होंने इनको नाम दिया था अपने वर्क में मेटाफिजिकल पोइट। ओके, तो डॉक्टर जॉनसन थे इन्होंने जो नाम दिया था वो था मेटाफिजिकल पोइट, मतलब पूरा नाम था मेटाफिजिकल पोइट अपने वर्क में, मोस्ट एमिनेंट पोइट ऑफ द 18th सेंचुरीज। ओके,
सो ये डॉक्टर जॉनसन ने किया था, ठीक है। लेटर ये जो वर्ड है, ये फ्रेज है, ये यूज हो गई, इसको यूज में भी ले लिया। लेटर इसमें जो मतलब क्या फीचर्स थे, ठीक है, मेटाफिजिकल जो पोइट थे, सो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स आर द ग्रुप ऑफ द पोइट्स ऑफ द 17 सेंचुरीज के ग्रुप ऑफ पोइट थे, एंड देयर वर्क कंटेन्स द सेम पिक्चर्स ऑफ कंसीट। देखो कंसीट क्या होता था, टू डिफरेंट थिंग होती थी जो टोटली डिफरेंट थी एक दूसरे से, उनका कंपैरिजन किया जाता था, ठीक है। मतलब दो चीजें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन उनका मतलब बाय फोर्स उनका कंपैरिजन किया जाता था, तो उनको कंसीट बोला जाता था। जैसे डॉक्टर जॉनसन को, जैसे सॉरी जॉन डन को आपने पढ़ा होगा अपने वर्क में, उसकी पोएट्री पढ़ी होगी जॉन डन, तो उन्होंने अपनी एक पोएट्री है जैसे फॉरबिडिंग मॉर्निंग करके है उसकी पोइम, उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया था लवर्स का कंपैरिजन किसके साथ किया था, कंपास के साथ किया था। जैसे ज्योमेट्री में हम कंपास यूज करते हैं ना, उसके साथ किया था कि जैसे कि जो दो लवर्स हैं दे आर लाइक द टू लेग ऑफ द कंपास, ओके। तो अगर उसकी बिलव्ड घर पे रहती है और उसका जो लवर्स है ही इज अवे फ्रॉम द होम सम यू नो फॉर वर्क पर्पस या एनी अदर काइंड ऑफ वर्क, इट मींस दैट दे बोथ आर यू नो यूनाइटेड विद द दिस कंपासेस लाइक द टू लेग ऑफ द कंपासेस। फिजिकली जो लवर है ही इज आउटसाइड फ्रॉम, ही इज यू नो डिस्टेंस फ्रॉम हिज बिलव्ड, बट मेंटली है स्पिरिचुअली है दे आर बोथ आर यूनाइटेड लाइक ए कंपास। तो ठीक है, फॉर्मिडिंग मॉर्निंग उसकी जो पॉइंट थी उसमें इसका बिल्कुल टू डिफरेंट थिंग थी। आप देखो एक जो लवर सर कहाँ कंपास है, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन उसने उस कंपास के दो लैग से किया था, तो ये कंसीट था। वो अपनी जो पोइट्री थी उसमें बहुत ज्यादा कंसीट का यूज करते थे, मतलब लॉन्ग कंपैरिजन करते थे, बहुत ज्यादा बिल्कुल डिफरेंट थिंग थी जो कहीं से भी सिमिलर नहीं थे, उनका कंपैरिजन करते थे। तो ये जो उनका कंसीट थी, ये फीचर्स थी उनके वर्क की, बहुत ज्यादा मतलब फेमस थी। और उनका वर्क था जो मोस्टली है वो रिलीजियस होता था, उनकी पोइट्री की जो थीम होती थी वो लव, मतलब लव गॉड ह्यूमैनिटी इन पे ज्यादा, रोमांस पे ज्यादा होती थी मतलब, ठीक है। तो कंसीट उनके वर्क में बहुत ज्यादा यूज होता था, ओके। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द नंबर ऑफ पोइट दैट बिलोंग टू द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स। तो नाउ अब हम देख लेते हैं कौन कौन जो पोइट है जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्स से बिलोंग करते हैं, ओके। सो सबसे पहले जो मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोइट हैं, दे आर सिक्स मेंबर, सिक्स पोइट्स हैं ये, ओके। और एग्जाम में पता नहीं चार से पांच बार कितनी बार पूछा गया है कि फाइंड आउट विच वन इज नॉट मेटाफिजिकल पोइट या फाइंड आउट विच वन इज मेटाफिजिकल पोइट, ओके। तो ऐसे हमेशा क्वेश्चन आता है, जैसे पांच से छह आपको पोइट दे देंगे या उनमें राइटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, और आपको पूछेंगे इनमें से कौन सा मेटाफिजिकल पॉइंट नहीं है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेटाफिजिकल पॉइंट है, ओके। सो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट मेटाफिजिकल पॉइंट है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जॉन डन। जॉन डन है, ओके। एंड सेकेंड है अब्राहम कोबले। थर्ड एंड्रयू मार्वल। फोर्थ जॉर्ज हर्बर्ट। फिफ्थ है हेनरी वोगन। एंड लास्ट वन सिक्स्थ इज रिचर्ड क्रिश्या, ओके। सो दीज आर ऑल मेटाफिजिकल, दीज आर ऑल पॉइंट्स
दे बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्स, दे आर कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्स. सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यू हैव टू रिमाइंड द नेम ऑल ऑफ दिस पोएट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका नेम है. इनका जो वर्क है उसको आपको बिल्कुल भी डीप में या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइटल याद रखना है. आज तक उनके वर्क से डिटेल में कभी क्वेश्चन ही नहीं आया, लेकिन उनका वर्क है वो दो दो तीन तीन जैसे पोइम्स हैं, उनको सिर्फ आपका टाइटल है वो उसको याद रखना है, ठीक है. तो सबसे पहले आपको इसके नाम याद होने चाहिए कि हु आर द यू नो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट में कौन कौन पोएट है. तो सबसे पहले इनके नाम याद करो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम वन बाय वन करके इनकी जो पोइम्स है उनको डिस्कस करेंगे, उनके टाइटल, ठीक है, टाइटल के साथ मैं आपको करवा दूंगी. ओके, सो दैट्स ऑल.